गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू क्रेडिटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। आते हैं हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक क्लास ट्वेल्थ के लिए। आप क्लास ट्वेल्थ को फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए पढ़ना। बच्चों, मैंने टारगेट दिया है, जो बच्चे 2021 में ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं और नीट भी देना चाहते हैं, एक तरफ क्लास 11th की भी लेक्चर चल रही है, दूसरी तरफ क्लास 12th की भी लेक्चर चल रही है। तो जो बच्चे नीट देना चाहते हैं 2021 में, उनके भी प्रिपरेशन हो रही है, और जो बोर्ड देना चाहते हैं उनकी भी प्रिपरेशन हो रही है। बच्चों, एक एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ हम इस चैप्टर के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए। बच्चों, आपको स्ट्रेस लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए एक नए टॉपिक को देखता हूँ। देखो, टॉपिक का नेम है सम जनरल टर्म्स। बच्चों, सम जनरल टर्म्स जो है आपका, जो पहला टॉपिक है वो एक तरह का जनरलाइज्ड चैप्टर है, जिसके अंदर आगे पढ़ने वाले जितने भी 2-3 चैप्टर हैं उन सबों के बारे में उस टॉपिक में डील किया गया था। आप लेसन जाकर देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर का लेसन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चल रहा है और उसमें टॉपिक को कवर किया जा रहा है। बच्चों, मैं पूरा एक चैप्टर एक तरह से नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला पहले कि टॉपिक वाइज मैं कवर करूंगा, एक एक टर्म्स को क्लियर करूंगा। आपका टर्मिनोलॉजी सही हो गया, बायोलॉजी सही हो गया, मुझे इतना सारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से वे में टॉपिक को कवर करते हुए और पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। बच्चों, आओ देखते हैं एक जनरल टर्म्स को। जनरल टर्म्स में पहला टर्म्स है बच्चों फ्लावर्स। ये फ्लावर क्या होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, किसके? एंजियोस्पर्म्स। बच्चों, प्लांट किंगडम की बात करेंगे क्लास 11th में, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रखे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ रखे हैं उनको पता होगा कि प्लांट किंगडम को ग्रुप में जब डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया अलग अलग डिवीजन में, तो आपने देखा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। लास्ट जो ग्रुप होगा प्लांट का वो एंजियोस्पर्म होगा और डेवलप होगा, और इस डेवलपमेंट का रीजन होगा कि इसके अंदर क्या होंगे? फ्लावर होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और इस फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, और उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन फिनोमिना में काम आएगा। बच्चों, दूसरा टॉपिक देखते हैं, यूनिसेक्सुअल टर्म्स। मैंने पहले ही बता रखा है कि जनरल टर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बच्चों देखो, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक बॉडी की बात करें कि एक बॉडी है जिसके पास ओनली वन टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, केवल और केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बच्चों, जब केवल और केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको अब केवल और केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो दो होते हैं, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। अगर एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं, कोई एक हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसमें प्लांट्स के कुछ एग्जांपल है और एनिमल्स के एग्जांपल है। बच्चों, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लर्न करोगे। ये कोकोनट है, कुकुम्बर है, पपाया है, मेज है, वाटरमेलन है, और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। एनिमल्स की बात किया जाए तो कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल में आता है, केवल और केवल एक टाइप का उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। बच्चों, बात किया जाए, एक बॉडी है जिसके पास केवल और केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बच्चों, ह्यूमन बॉडी, हम लोग कैसे हैं? बॉडी की बात हो रही है, ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बॉडी ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। बॉडी की अगर बात होती है तो बच्चों यहाँ मोनोसियस और डायोसियस यूज करते हैं, यहाँ पे बॉडी की जगह पे आपको फ्लावर्स यूज करना होगा प्लांट्स के लिए, यहाँ भी बॉडी की जगह पे फ्लावर्स यूज करना होगा प्लांट्स के लिए। मतलब कि एक फ्लावर जिसमें केवल और केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एक फ्लावर जहाँ पे दोनों टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेक्सुअल, दोनों टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें? फ्लावर्स में, तो फिर बाइसेक्सुअल। एग्जांपल बच्चों, प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो लिली, सनफ्लावर, रोज, टलिप, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, बहुत सारे आते हैं। अगर एनिमल की बात किया जाए तो अर्थवर्म होगा, टेपवर्म होगा, स्पॉन्जेज होगा, लीच होगा, और भी हो सकते हैं। बच्चों, एग्जांपल आप याद करोगे, मैं टर्म समझा रहा हूं।
फ्लावर्स समझ गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर्स में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, बाइसेक्सुअल, और साथ साथ हम एनिमल्स की भी बातें करते चल रहे हैं। बच्चों एक वर्ड और है वीवीपैरस, ध्यान से सुनना बच्चों, वीवीपैरस देखो, वीवी का मतलब होता है बर्थ, आप बर्थ दे रहे हो, ठीक है, सॉरी बीवी का मतलब हो गया बेबी, वीवी मतलब बेबी, और पेरस का मतलब हुआ बर्थ, आप बर्थ दे रहे हो, ठीक है, और वीवी का मतलब यहाँ हो गया ओवम, मतलब आप ओवम को ले कर रहे हो, ठीक से ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे अगर कोई एनिमल्स है तो वो बेबी का बर्थ दे रहा है, तो गिविंग बर्थ ऑफ बेबी By any animals, that animals called the viviparous. मतलब ये दोनों वर्ड बच्चों एनिमल्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ये दोनों वर्ड जो है बच्चों प्लांट्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, फ्लावर्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और ये दो टर्म जो है बच्चों ये प्लांट्स बॉडी के लिए यूज किया जाता है, ये प्लांट्स के लिए, ये दोनों वर्ड बोला जाए तो फ्लावर्स के लिए, और ये दोनों वर्ड बोला जाए तो एनिमल्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। वीवीपैरस बेबी को बर्थ देने वाला, गिविंग बर्थ ऑफ बेबी, ह्यूमन बींग्स होगा, कैटल्स होगा, वाइल्ड एनिमल्स होगा, और भी एनिमल्स हो सकते हैं जो बेबी बर्थ देते होंगे, सीधे सीधे एग्जांपल आप समझो। एक नेक्स्ट है बच्चों ओवीपैरस, ओवी मतलब ओवम देने वाला, पैरस मतलब लेइंग, मतलब ओवम या तो फर्टिलाइज्ड कंडीशन में देगा या तो अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में देगा, लेकिन कहीं ना कहीं किस चीज का लेइंग होगा, एग का लेइंग होगा, तो फिर ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ओवी पैरस बोलेंगे। और मेनली इसके अंदर क्या आता है बच्चों, बर्ड्स आता है, तो बर्ड्स ज्यादातर क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स इधर भी बच्चों हैं, जैसा कि पॉलिनेशन लिखा हुआ है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, किसका, पॉलन ग्रेन को बच्चों प्लांट्स के अंदर मेल गैमिट कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स को प्लांट्स के अंदर मेल गैमिट कहते हैं, फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा, एंथर से एस्टिग्मा की तरफ वो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, और इस ट्रांसफरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है बच्चों, और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन बात किया जाए तो डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूल में जो क्रॉस ट्रांसफर होगा, एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर होगा, एक ही फूल पे ट्रांसफर होगा, सेम फूल पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे होगा क्रॉस पॉलिनेशन। हम पूरा डिटेलेशन पढ़ेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों पढ़ेंगे तो उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं, उसका जो कंप्लीशन पढ़ेंगे, जो उसका पूरा इवेंट्स पढ़ेंगे, उस इवेंट्स में पॉलिनेशन भी आएगा, और पॉलिनेशन को पूरा डिटेल पढ़ेंगे वहां पे टाइप्स के साथ। दूसरा वर्ड है बच्चों मोनोसियस, मोनो का मतलब होता है बच्चों वन, और शेष का मतलब बियर करने वाला, डाई का मतलब दो, और शेष मतलब बियर करने वाला, मतलब कह रहा है कि एक प्लांट बॉडी है जो सिंगल प्लांट बॉडी है जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को बियर कर रहा है, एक सिंगल प्लांट बॉडी बच्चों, ये देखो ये सिंगल प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर मेल फ्लावर भी होगा, जिसके ऊपर फीमेल फ्लावर भी होगा, एक प्लांट बॉडी फीमेल फ्लावर भी मेल फ्लावर भी, दोनों फ्लावर एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है, That body is called monoecious। ध्यान से बच्चों समझना, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये बॉडी है, इस बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव भी है, इस बॉडी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव भी है, मेल इधर है फीमेल इधर है बच्चों, इस बॉडी पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, बॉडी इज कॉल्ड monoecious। जब दो बॉडी होंगे, इस पे केवल मेल फ्लावर, इस पे केवल फीमेल फ्लावर, देखो ब्लैक वाला मेल फ्लावर, ब्लू वाला फीमेल फ्लावर, तो ये प्लांट है जिसपे मेल बॉडी है, ये प्लांट है जिसपे फीमेल बॉडी है, दोनों अलग अलग प्लांट है जिसपे दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दो प्लांट मिलकर एक पूरे मेल और फीमेल को कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायोसियस प्लांट। अगर सिंगल रहेगा फ्लावर दोनों रहेंगे मोनोसियस, दो प्लांट रहेंगे
दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, डायोसियस। बच्चों एग्जांपल भी लिखा हुआ है मोनोसियस का यहाँ पे और डायोसियस का भी लिखा हुआ है। लिली, रोज, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ईटीसी मोनोसियस का एग्जांपल है बच्चों। डायोसियस की बात किया जाए तो कोकोनट, कुकुम्बर, पपाया, मेज, वाटरमेलन, ये डायोसियस का एग्जाम्पल है बच्चों। मियोसाइट की बात करता हूँ बच्चों, मियोसाइट वर्ड देखो ध्यान से, मियो और साइट्स, साइड्स का मतलब हो गया सेल, वो सेल जो किसमें इन्वॉल्व हो, मियोसिस में इन्वॉल्व हो। किसमें इन्वॉल्व हो बच्चों? मियोसिस में इन्वॉल्व हो 100%। जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेटोजेनेसिस होने के लिए मियोसिस ही रिक्वायर्ड होता है, मियोसिस प्रोसेस, मियोसिस सेल डिवीजन ही होता है। जब भी गैमेटोजेनेसिस होगा, जब भी गैमेट बनेगा तो सेल डिवीजन किस टाइप का होगा बच्चों? मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। इसका मतलब कि गैमेट बनाने वाला, मान लो ये सेल है, इसका डिवीजन हुआ और ये दो सेल बन गए और ये दोनों सेल को मैं गैमेट कह रहा हूँ। इसका मतलब समझो कि ये जो डिवीजन प्रोसेस चला, ये डिवीजन प्रोसेस जो हुआ, ये डिवीजन कहीं ना कहीं मियोसिस हुआ, ठीक है। और इस मियोसिस में ये इन्वॉल्व होने वाला ये सेल जिसको हम कहते हैं मियोसाइट, ठीक है। और इसी मियोसाइट, इस गैमेट को बनाने वाले कौन है? ये सेल है, तो इनको बनाने वाले ये होते हैं, तो ये मदर, इसलिए बोल दिया गया गैमेट मदर सेल। इट इज क्लियर। आगे हैप्लॉइड वर्ड और डिप्लॉइड वर्ड बच्चों, ये दोनों क्रोमोसोमल सेटअप की बात करते हैं। बॉडी के अंदर जो सेल है उस सेल में सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना है? जैसे हम लोग के बॉडी के हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी में जब गैमेट्स बनते हैं बच्चों, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, तो गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? तो अगर गैमेट्स की बात किया जाए तो उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हम लोग में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यूं कहो कि अगर 46 और 23 इसको सिंगल मानते हो तो इसको डबल मानो, क्योंकि इसका डबल है 23 से 46। तो बच्चों हैप्लॉइड, हैप का मतलब हो गया सिंगल, डिप का मतलब हो गया डबल। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड। दुनिया में केवल और केवल गैमेट्स ही होता है बच्चों। गैमेट दुनिया का वो सेल है जो एकमात्र सेल है केवल हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, बाकी दुनिया के जितने सेल हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं बच्चों। ये रहा आपका कुछ जनरल टर्म्स जो फर्स्ट टॉपिक में, बोले तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर आपको लास्टली ये सब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म करके टॉपिक है, उसके अंदर आपको ये सारा का सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा। एक चीज़ मैं बताना अभी भूल गया हूँ, आप होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक की बात कर लो। होमोथैलिक मतलब एक में होना, हेट्रोथैलिक मतलब डिफरेंट होना। अगर इसकी बात करो मोनोसियस की तो ये कहीं ना कहीं होमोथैलिक है, देखो एक ही के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होना। अगर डायोसियस की बात करें तो हेट्रोथैलिक हो गया। बात करो बच्चों, हेट्रो मतलब डिफरेंट, थैलिक मतलब बॉडी, देखो जो अलग अलग बॉडी में क्या है, सेक्स ऑर्गन है, तो ये हेट्रोथैलिक हो गया बच्चों, ठीक है। और एक और भी पढ़ोगे, प्लांट्स के अंदर जो बाइसेक्सुअल कंडीशन होता है, जैसे कि आपने अर्थ ओम देख रहे हो, अर्थ ओम के अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो एनिमल्स के लिए बच्चों, एनिमल्स के लिए बाइसेक्सुअल कंडीशन को बोलते हैं हर्माफोरोडाइट एक कंडीशन होता है। HERMAPHRODITE हर्माफ्रोडाइट, इट इज अ कंडीशन विच इज फेवर द बाइसेक्सुअल कंडीशन इन एनिमल्स। कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर जो बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन होती है उसका एक स्पेशल नेम होता है क्या? हर्माफ्रोडाइट। इज इट क्लियर? मैं मानता हूं कि ये क्लियर है आप लोगों का। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों, पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। अब ये आपका इस टाइप चैप्टर का जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है यहाँ एंडिंग होता है। जो भी जनरलाइज्ड टर्म पढ़ना था वो हमने आपको पढ़ा दिया, जो भी प्रोसेस पढ़ना था वो आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है।
अब नए टॉप चैप्टर के साथ हम नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाले दो चैप्टर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स। तो इन सबों की बात करेंगे हम आगे लेक्चर में, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बच्चों फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विद अ प्रोसेस एंड जनरलाइज टर्म कंप्लीट होता है। किसी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, आप विजिट करो केडीटी बायोलॉजी, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल केडीटी बायोलॉजी टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे, हर एक टॉपिक में लेक्चर बनते रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।